पूरे भारत में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें चाय ना बनाई जाती हो, और ज्यादातर भारतीय लोगों की तो चाय के बिना दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। लेकिन जिस चाय पत्ती से आपके घरों में चाय बनाई जाती है, क्या आपको पता है वो चाय के बगानों से किस तरीके से फैक्ट्री में प्रोसेस होकर आपके घरों तक आती है? अगर नहीं तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। अभी हमें आसाम में जहाँ पे भारत की सबसे बढ़िया क्वालिटी की चाय उगाई जाती है, यहाँ आपकी जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ पे चाय के बागान है। आप इधर देख लीजिए, इस तरह की होती है चाय पत्ती जिससे अपनी चाय बनती है। अब यहाँ से जो वर्कर्स होंगे वो इन चाय की पत्तियों को तोड़ेंगे, तोड़ के ले जाएंगे फैक्ट्री में। हम भी चलते हैं फैक्ट्री और आपको दिखाते हैं किस तरीके से चाय पत्ती यहाँ पे बागानों से तोड़ने के बाद आपके कप में आती है चाय बन के। चाय के बागान से पत्तियां तोड़ के लाने के बाद देखिए पत्तियों को यहाँ पे स्टोर किया जाएगा विदरिंग प्रोसेस के लिए। यहाँ पे इनसे सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर निकाला जाएगा, और जो मॉइस्चर निकालने का तरीका होता है वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे फैन लगा होता है जो कि हीट लेता है बर्नर से। तो देखिए यहाँ पे ये बर्नर है, इसमें आग चलेगी, इसकी गर्म हवा को ये फैन अपने अंदर लेगा, जहाँ से गर्म हवा जाएगी पत्तियों के नीचे। यहाँ से आपको नजर आ रही होगी ये नीचे से हवा आ रही है गर्म हवा, जिससे चाय की पत्तियों के नीचे का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सारा निकाला जा सके। जब मॉइस्चर सारा निकाल लिया जाएगा चाय की पत्तियों से, उन्हें फिर बैग में भरा जाएगा अगले प्रोसेस में भेजने के लिए। तो ये देखिए बिल्कुल मॉइस्चर निकालने के बाद की चाय पत्तियां हैं, इन्हें बैग्स के अंदर फिल किया जा रहा है, और फिल करने के बाद इन्हें लटका दिया जाएगा यहाँ पे बेल्ट पर, जहां से जाएंगे अगले प्रोसेस के लिए। जो चाय पत्ती के बैग्स उधर फिल किए गए हैं, अब देखिए वो बेल्ट के थ्रू इधर आए हैं। अगला प्रोसेस होगा कंडीशनिंग का, कंडीशनिंग की जाएगी इनकी और कटिंग की जाएगी। तो देखिए जितनी भी चाय पत्ती आई है वो सारी इस मशीन के अंदर डाल दी जाएगी, जहाँ पे इसकी कंडीशनिंग होगी। मशीन में फीड होने के बाद चाय कंडीशन होकर देखिए यहाँ से निकलेगी, और कंडीशनिंग होने के बाद चाय पत्ती की हालत आप देखिए ऐसी होती है। अभी कटिंग नहीं हुई है इसकी, केवल इसको कंडीशन किया गया है, दबाया गया है, उसके बाद कटिंग शुरू होगी। ये अपना कटिंग का पहला स्टेप है, यहाँ पे चाय पत्ती कटिंग होगी, यहाँ पे चाय पत्ती कटिंग होगी, यहाँ जाएगी और इस तरीके से फर्दर कट करती चली जाएगी। तो देखिए पहली कटिंग के बाद हम आपको दिखाते हैं चाय पत्ती कैसी हो जाती है। यहाँ पे चाय एक बार कटी है, फिर दूसरी बार यहाँ पे कटी है, उसके बाद कट कट के चाय पत्ती ऐसी हो गई है। आप देखिए मतलब काफी बारीक काटी जा चुकी है, बट इतनी बारीक से भी काम नहीं चलता है। तो इसको अभी एक दो तीन बार और कटिंग की जाएगी इसकी। तो सबसे लास्ट में चलते हैं, आपको लास्ट का प्रोडक्ट दिखाते हैं, फाइनल में चाय पत्ती कट के अपनी कैसी तैयार होती है। यह चाय पत्ती की फाइनल शेप है, यहाँ पे पूरी कटिंग हो चुकी है, और फाइनल कटिंग होने के बाद आप देखिए चाय पत्ती को ये आटे की जैसी शेप में हो जाएगी। लेकिन इससे भी चाय नहीं बनेगी, अब इसमें ग्रेन्स पड़ाए जाएंगे। तो ग्रेनिंग के लिए चाय पत्ती यहाँ से जाएगी इस मशीन के अंदर, जहाँ पे उसमें ग्रेन्स बनाए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूस ये रिवॉल्व हो रही है, और रिवॉल्व होते होते इस कटी हुई चाय पत्ती में ग्रेन्स पड़ जाएंगे। आप ये देखिए पहले वो आटे जैसी शेप में थी, अब इसके अंदर हल्के हल्के ग्रेन्स पड़ चुके हैं। जब ग्रेन्स पड़ जाएंगे इसमें, यहाँ से आगे भेज दी जाएगी फर्मेंटेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं चाय पत्ती अपनी कंटिन्यूस फर्मेंटर में आ रही है, जहाँ पे इसका ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेशन किया जाएगा। ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेशन में ये 1.5 घंटे यहाँ पे रहेगी, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, और वातावरण में जो नमी है और ऑक्सीजन है उसको लेकर इसका फर्मेंटेशन होता रहेगा। और जैसे जैसे इसका फर्मेंटेशन होता रहेगा, आप देखिए कलर इसका चेंज होता जा रहा है, पहले ग्रीन कलर था, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे इसका कलर अपने आप ब्राउनिश होता चला जाएगा। आप ये देखिए अब ये बिल्कुल ब्राउन कलर हो चुका है, और जैसा अपना राइप एप्पल होता है वैसे इसमें से स्मेल आ रही है। यहाँ पे चाय पत्ती पूरी तरीके से फर्मेंट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं जो फर्मेंटेड चाय पत्ती है वो अपनी यहाँ पे आती रहेगी, और इस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे जाएगी अगले प्रोसेस के लिए, जहाँ इसे फ्राई किया जाएगा। ये जो आप इतना बड़ा सेटअप देख रहे हैं, ये फ्रायर है जिसमें फ्राई किया जाएगा, और फ्राई करने के लिए यहाँ से हीट आएगी। ये जो आप इतनी बड़ी चीज देख रहे हैं, ये ब्लोअर है, बहुत बड़ा ब्लोअर, इसके अंदर आग जल रही है, गर्म आग इसमें यहाँ पे आएगी, जहाँ पे पंखा लगा हुआ है बहुत बड़ा, वो इस गर्म हवा को आगे पुश करेगा, और गर्म हवा में ये जो चाय पत्ती है इसे फ्राई किया जाएगा कोई आधे से पौन घंटे तक। तो देखिए जो फर्मेंटेड चाय पत्ती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्म हवा से उसको फ्राई किया जा रहा है। देखिए पूरा का पूरा फ्रायर चाय पत्ती से भरा हुआ है, और आपको ऐसे खोलती हुई से नजर आ रही होगी। ये बेसिकली एयर फ्राई प्रोसेस चल रहा है, जिससे अपनी चाय पत्ती बनके तैयार होगी, और फिर एयर फ्राई होने के बाद चाय पत्ती ऐसे अपनी बाहर आएगी। ये तैयार चाय पत्ती है, लेकिन ये आपके घरों में नहीं आती है, इसमें होता है 7-8 तरह की पत्तियों का मिक्सचर, इसे अब सेग्रीगेट किया जाएगा। जो चाय पत्ती अपनी तैयार होकर आई है वो देखिए कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे जाएगी सेग्रीगेशन के लिए। अब चाय पत्ती आ गई है इस मशीन के अंदर, जहाँ इसका सेग्रीगेशन किया जाएगा, सफाई की जाएगी। इसके अंदर जितना भी फाइबर है वो सारा रिमूव हो जाएगा, कोई भी गंदगी है वो रिमूव हो जाएगी, और बिल्कुल अपनी फ्रेश साफ और तैयार चाय पत्ती यहाँ पे आएगी, जहाँ पे उसे साइज के हिसाब से क्वालिटी के हिसाब से अलग किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जालियाँ लगी हुई है, ये जालियों के हिसाब से कि मोटे वाली चाय पत्ती अपनी उधर निकल रही है, जो बारीक वाली चाय पत्ती की डस्ट है वो यहाँ पे निकल रही है, ऐसे ही उधर कोई और क्वालिटी है। तो 7-8 तरह की चाय पत्ती तैयार होती है, ये कोई और क्वालिटी की चाय पत्ती है, ये कोई और क्वालिटी की है, ये कोई और क्वालिटी की है, बनके एक साथ तैयार हुई है सब।
लेकिन अलग अलग तरह से ये रिमूव कर दी जाएंगी अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से और फिर इनको आगे भेज दिया जाएगा पैकिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं सारे में यहाँ पे चाय पत्ती के ये बोरे भरे हुए रखे हैं। हर एक बोरे में एक अलग प्रकार की चाय पत्ती है जो कि अलग अलग इकट्ठी की जा रही है। हम आपको दिखाते हैं सबसे बढ़िया क्वालिटी की जो चाय पत्ती बनती है वो होती है बीपी क्वालिटी की चाय पत्ती। ये आपके सामने बीपी क्वालिटी की चाय पत्ती है, ये सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी होती है चाय पत्ती की। तो ये था चाय पत्ती बनाने का कंप्लीट प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने चाय पत्ती पहली बार बनते हुए देखी है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा कि सभी को पता चल सके भारत की पसंदीदा चाय आखिर बनाई किस तरीके से जाती है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा और सबसे यूनिक वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।